क्लास वेलकम यू ऑल। आज हम यूनिट 4 सेशन 7 के बारे में स्टडी करेंगे एंड द नेम ऑफ द सेशन इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? जब भी आप कुछ ऑनलाइन बाय करते हैं या सेल करते हैं या आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स की फॉर्म है जहाँ पर कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स मीन्स जहाँ जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसे हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एक फॉर्म है जहाँ पर कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को बाय करते हैं एंड सेल करते हैं। सो इसके लिए कस्टमर्स को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला तो हमारा है कि हमें एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन किस लिए चाहिए? अपने गुड्स या सर्विसेज जो भी हमने बाय करना है या सेल करना है उसको व्यू करने के लिए हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस। ऑनलाइन शॉपिंग किन सिचुएशंस में हेल्पफुल है? कस्टमर, इफ अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशियंट टाइम टू विजिट स्टोर्स, अगर कस्टमर के पास एक सफिशियंट टाइम नहीं है कि वो स्टोर पे विजिट कर सके, वो मार्केट जा सके, अगर उसके पास सफिशियंट टाइम नहीं है और वो घर बैठे बैठे शॉपिंग करना चाहता है तो ऑनलाइन शॉपिंग इस केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव दैन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, अगर आप किसी स्टोर पे विजिट करते हैं वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं उस केस में आपका कुछ, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से स्टोर तक पहुंच रहे हैं तो उस केस में वो चीज़ आपकी बजाती है। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं उसमें आजकल आपके डिस्काउंट्स भी रहते हैं तो वो आप चेक करके आप परचेज कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो मार्केट में, जो स्टोर में अवेलेबल नहीं होते हैं वो आप ऑनलाइन इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ वेबसाइट्स बताई गई हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आज के टाइम में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वेबसाइट कौन कौन सी है? IRCTC, आपने सुना भी होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। ये हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिससे हम अपनी फ्लाइट या ट्रेन की टिकट्स को बुक करते हैं। नेक्स्ट आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये भी सब सुना होगा, ये हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं ये ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होते हैं जहाँ से कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स को बाय करता है। ईबे भी हमारी एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट है जहाँ से हम अपने गुड्स को बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। रेड बस, ये एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम बस की टिकट्स को बुक करते हैं। Redbus is an online portal for booking bus tickets. So, ये हमारी कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट थी। इसके अलावा आज के टाइम में और भी बहुत सारी वेबसाइट है लाइक Amazon, Myntra, या आपका मेक माई ट्रिप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउज़र की नीड होती है, इसके साथ साथ आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की भी नीड होती है। सो यू ऑल नीड इज़ अ वेब ब्राउज़र एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। सो जब आप परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट
रेफर टू एज नेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन भी आपको चाहिए होता है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करती हैं, ऑप्शन आपके पास रहता है कैश ऑन डिलीवरी का, वेयर द यूजर्स कैन पे वंस व्हेन दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। जब उसको रिसीव हो जाए तब अगर यूज़र पेमेंट देना चाहता है तो वो कैश ऑन डिलीवरी का भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की साइट जो होती है उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म की जाएगी। सो देखिए फ्लिपकार्ट क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन स्टोर है। जैसे कि आप ऑफलाइन स्टोर्स पे जाते हैं, लोकल मार्केट में जाते हैं, तो फ्लिपकार्ट हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है वेयर यू कैन परचेज अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एसेसरीज, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन एंड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर। सो ये हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आप वैरायटी ऑफ चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, बुक्स हैं, कुछ एसेसरीज हैं, डिजिटल कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं या कुछ आपके पेरिफेरल हैं। फ्लिपकार्ट ऑफर्स मल्टीपल पेमेंट मैथड्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो फ्लिपकार्ट आपको मल्टीपल पेमेंट मैथड्स प्रोवाइड करता है, लाइक आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई गिफ्ट वाउचर्स जो आपको मिलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो इन सभी मैथड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। टू वर्क विद फ्लिपकार्ट यू नीड टू यूज़ अ वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको फ्लिपकार्ट वर्क करना है तो सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजर की नीड होगी, इसके अलावा आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की भी नीड होगी। आजकल तो मोबाइल्स में हम प्ले स्टोर से ऐप भी आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक फ्लिपकार्ट की प्रॉपर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी या अमेजोन की, मिंत्रा की, तो इस तरह से आपके ऐप्स भी बन गए हैं। नहीं तो आपको एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर मीन्स जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके बाद आप एड्रेस बार में अपनी जो वेबसाइट का एड्रेस है लाइक www.flipkart.com, ये हमारी फ्लिपकार्ट की एड्रेस है, तो आप इसको अपने एड्रेस बार में फिल करेंगे एंड देन आप एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन वेब पेज विजिबल हो जाएगा। टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स यूजिंग फ्लिपकार्ट, अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है फ्लिपकार्ट पे तो सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना होता है। जैसे कि हम जीमेल पे जब वर्क करते हैं या कोई भी आप वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उस पे अकाउंट बनाते हैं। तो इसी तरह से फ्लिपकार्ट पे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, अपनी चीज़ों को परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए हम फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाते हैं। साइन अप में जा करके दो तरह की हमारे पास ऑप्शन होते हैं, साइन इन एंड साइन अप। साइन इन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा ऑलरेडी अकाउंट उस पर बना होता है, तब हम साइन इन में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल करते हैं। अदरवाइज सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए हम साइन अप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म टाइप में विजिबल हो जाएगा जहां पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी न्यू यूजर के लिए, जैसे कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये सब इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों पूछते हैं ईमेल एड्रेस, ताकि आपके पास अगर उनके कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ उनकी प्रोमोशनल मेल्स आ रही हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर आएंगी। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसकी भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है। तो ईमेल एड्रेस हमारा लॉगिन नेम्स की तरह भी यूज़ होता है फ्लिपकार्ट अकाउंट में। पासवर्ड, आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए हम पासवर्ड बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और पासवर्ड 2 times आपसे फिल कराया जाता है ताकि एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि आपका पासवर्ड यही सेम है। उसके बाद आप साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से जाकर के आप अपनी जो भी आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसको इजीली कर सकते हैं। तो इसको करके देख लेते हैं। देखिए ये आपको एक गूगल क्रोम का यहाँ पर ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो हमारे सामने ये गूगल क्रोम ओपन हो गया है वेब ब्राउज़र। यहाँ से मैं एड्रेस बार में लिख रही हूँ
फ्लिपकार्ट, डॉट कॉम जो कि हमारी वेबसाइट है, तो मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरी फ्लिपकार्ट का वेब पेज ओपन हो गया है। देखिए इस तरह से आपका फ्लिपकार्ट का पेज होता है। देखिए अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको एक न्यू अकाउंट बनाना है तो आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी फॉर्म की, तो आप उसको फिल करेंगे। स्टूडेंट्स जब हमारा अकाउंट इस पर क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आप प्रोडक्ट जो सर्च करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, कुछ भी हमारी एसेसरीज हैं, तो आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। लाइक मुझे मोबाइल फ़ोन सर्च करना है तो मैं मोबाइल पर क्लिक करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो भी आपने बाय करना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर साइड में भी ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको कितने GB रैम का मोबाइल चाहिए, जहाँ से आप इजीली उसके अकॉर्डिंग मोबाइल चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी ब्रांड चाहिए, रियलमी का फ़ोन चाहिए, मोटोरोला चाहिए, सैमसंग चाहिए, MI चाहिए, तो आप यहाँ से ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं अपनी। देखिए इस तरह से, ठीक है। कितनी इंटरनल स्टोरेज चाहिए, बैटरी कैपेसिटी किस टाइप की चाहिए, तो वो आप यहाँ से भी डिसाइड करके अपना फ़ोन ईजिली चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये वाला मोबाइल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताएगा भी सही कि डिलीवरी आपकी कितने दिन में हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना जो आपका है पिन कोड है वो डाल के देख सकते हैं कि यहाँ डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। इस मोबाइल की पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ दी हुई है कि कितने इंच का मोबाइल है, कितना कैमरा है, ठीक है, कितना इसमें फ्लैश चार्ज है, स्मूथ डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं है। तो इस तरह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके लिए अंदर दी गई है। तो इसमें अगर आपको बाय करना है तो आप इसको कार्ट में डालेंगे। जैसे कि मैंने कोई टू आइटम्स लिए हैं तो ऐड टू आइटम्स टू द कार्ट, ठीक है। वो टू आइटम्स क्या हैं, मोबाइल जैसे कि हमारा है, और हमारा मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए जो 1 ईयर के लिए आता है वो भी हम अगर चूज़ करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी एड्रेस वगैरह सब इन्फॉर्मेशन देनी हो गई कि किस एड्रेस पे आपका मोबाइल डिलीवर होगा, वो हम डिलीवरी एड्रेस में आपका देंगे, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट के जो आपके ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस आपके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, अपनी ईमेल आईडी ऑप्शन में डालनी होगी ताकि आप परचेजिंग के लिए साइन अप कर सकें। ओके क्लास, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ये हमने देखा तो फ्लिपकार्ट ने हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पेमेंट के, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं, ई गिफ्ट वाउचर का यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट को कम्प्लीट करने के लिए। इसके अलावा हम क्लिक पे पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को इनिशिएट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है फॉर बुकिंग रेल टिकट्स। हमें रेल टिकट्स अपनी बुक करनी है, उस पर हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, तो हम IRCTC जो हमारी साइट है इसका हम यूज़ करते हैं अगर हमें ट्रैवल टिकट्स अपनी बुक करनी होती है। तो IRCTC की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC की फुल फॉर्म है हमारी। IRCTC हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जो हमारा यूज़ होता है ट्रैवल टिकट्स को बुक करने के लिए। सो IRCTC पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है और एक हमें एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ब्राउज़र जैसे कि हम कोई भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद हम अपना एड्रेस बार में www.irctc.co.in वेबसाइट एड्रेस बार में एंटर करेंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपको वेब पेज दिखाई देगा, इंडियन
रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह के वेब पेज में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या क्रिएट अकाउंट भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है IRCTC के अकाउंट के लिए, और साइन अप करने के बाद जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, चाहे वो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वो आप फिल करेंगे, और जब आप फिल कर लेंगे तो आप अपने इजीली टिकट्स को बुक कर सकते हैं IRCTC की साइट पर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स को फिल कर देंगे, जो भी आपका स्टार लगा हुआ है मीन्स वो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उनको आप फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, तभी आपका अकाउंट क्रिएट होगा पूरा, और उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो मेनली आपको बताना चाहिए कि टिकट्स बुक करने के लिए आपकी IRCTC जो हमारी साइट है उसका यूज़ होता है, और इसके लिए आपकी जो वेबसाइट है www.irctc.co.in। इसके बाद हम लॉगिन, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप साइन अप ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से आप और सारी की सारी डिटेल्स को फिल करेंगे और अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आप अपने टिकट्स को इजीली बुक कर सकते हैं। ओके।